सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड, हमें मिनी ड्रिल बनाने के लिए एक 12 वोल्ट की मोटर चाहिए जो कि हमारे फ़ैन या फिर टेबल फ़ैन में जो छोटे हमारे चार्जिंग वाले फ़ैन होते हैं उसमें से निकलती है, या फिर आप मार्केट में से खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक ही बीट जो कि मैं बताऊंगा आपको कहाँ से मैंने लिया इसे। तो जैसे कि आप देखने देखा होगा जो भी हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं उनके साइटों में, दोनों साइटों में ये लगे हुए रहते हैं, जिसमें हम उसका फेस लगाकर उसके ऊपर नट कर देते हैं दोनों साइड में से, तो वहाँ से मैंने इसे निकाला है। तो फ्रेंड्स, आप है ना, या तो आपके घर में पुराना इलेक्ट्रिक बोर्ड उसमें से निकाल लीजिए, या फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉप पर चले जाइए जहाँ पर पुराना टूटा हुआ इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, तो उसमें से निकाल के वो दे देगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आप इसे लेके आ जाइए। उसके बाद क्या करना है, इसे इसमें फ़िट करना है। तो आप जिस दिन नया लाओगे ना उस टाइम पर ये फ़िट नहीं होगा, तो ये क्या थोड़ा जो हमारा शाफ्ट है थोड़ी मोटी पड़ेगी इसमें, तो ये इसमें ढंग से आएगी नहीं, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा घिसना है। तो आप जैसे देख रहे हैं इसको मैंने आगे से घिस रखा है, तो ऐसे आपको इसको घिसना है। घिसने के लिए आपको क्या करना है, तो एक सेंड पेपर लीजिए जो हमें मार्केट में मिल जाता है, एक सेंड पेपर ले लीजिए और इसको क्या करना है आपको, इस शाफ्ट को इससे ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है? उसके बाद मोटर चालू कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी शाफ्ट गोल गोल घूमेगी और जो आगे का सिरा है ये उसमें घिसा जाएगा, जिससे हमारा थोड़ी पतली हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको आगे से थोड़ा घिस रखा है, तो घिसने के लिए मैंने जैसे कैसे कर रखा है आप ध्यान से देखिए, आगे से थोड़ा पतला है, यहाँ से घिस रखा है, आगे से पतला है थोड़ा, पीछे से ज़्यादा मोटा है थोड़ा, तो मैंने थोड़ा आगे से पतला कर रखा है ताकि ये अच्छे से फंस जाए अंदर, ठीक है? ये पूरा अंदर तक ना जाए, ये फंस जाए बिल्कुल। इसके बाद फंसने के बाद ये हमारा घूमेगा नहीं गोल, और एक बार इसे थोड़ा अच्छे से टाइट कर दीजिए, लगा दीजिए अंदर, तो ये लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक हमें ड्रिल बिट चाहिए जो आपको मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएगी, 15 या 20 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसकी साइज का लेके आना है, ठीक है? जो इसमें छेद में फंस जाए, ठीक है? तो आप इसे लाओगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी अंदर टाइट फंसी रहेगी, तो आपको इसे उल्टा करना है और इसको जैसे ये हमारा बीट है इसको हम प्लाट से पकड़ लेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे घुमाना है, जिससे क्या होगा इसमें थोड़ा ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप उनको इसमें लगा के अच्छे से फंसा दीजिए इसे, ठीक है? फंसाने के बाद क्या होगा, अच्छे से फंसा दीजिए इसे और आप अच्छे से ठोक दीजिए इसे ताकि ये बाहर ना निकले बार बार, और ज़्यादा ये बीट टूट सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें ग्लू व्लू लगा दीजिए, या फिर कोई ऐसा आते हैं ना हमारे ग्लू कौन सा फेविकिक वो डाल दीजिए ताकि हिले नहीं। तो मेरा तो इसमें फंस चुका है, मैंने अच्छे से इसे फिक्स कर रखा है, तो हो गया। उसके बाद हमें इसमें इसे ठोक देना है, ठीक है? अच्छे से फंसा देते हैं इसे, उसके बाद हमें ये हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसे चला कर, तो जैसे आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा पूरा फिक्स। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसे, ठीक है? तो मैं इसे 12 वोल्ट का हमें डायरेक्ट इसे एक ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद चालू करेंगे। आप इसमें लगाने के लिए या तो कोई हैंडल लगा लीजिए इसमें आपके हिसाब से, बटन लगा लीजिए, या फिर आप इसे बैटरी से चालू करके आपके हिसाब से इसे कैसे बना सकते हो, मैंने इसका तरीका बताया, ठीक है? तो अब जैसे ये मेरी चालू हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं लकड़ी सागवान की लकड़ी है, तो इस लकड़ी में हमें होल करना है। तो वैसे भी हम बड़ी ड्रिल से भी करते हैं सागवान की लकड़ी में, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं इसमें करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो जैसे आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, और ये सागवान की लकड़ी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये पूरा होल कर दिया इसे आर पार, और ये आसानी से हो गया। वैसे ये ना छोटे छोटे कामों के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप यूट्यूब पर देख के बनाते होंगे, जैसे प्लास्टिक का ये जैसे वो सर प्लास्टिकों में प्लास्टिक की चीज़ों में होल करना होता है, तो ये उसमें भी अच्छे तरीके से कर देगी, आपके छोटे छोटे कामों में अच्छा काम करेगी, ठीक है? तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने आराम से होल कर दिया इसमें, ठीक है? जैसे आप देखिए ये आराम से होल हो चुका है इसमें। तो अगर आपको और भी इसमें हैंडल वेंडल लगाना है ड्रिल में, तो वो लगा लीजिए। और जैसे आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने इसे कोई भी इसमें ट्रिक नहीं की है, ये पूरा वीडियो असली है, ठीक है? आप देख रहे हैं ये इसमें होल हो रहा है, और ये सागवान की लकड़ी एक बार और बता दूँ आपको, क्योंकि सागवान की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, ये उसमें भी होल कर रही है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।